नमस्कार दोस्तों, केपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राजा रहता हूं और आप देख रहे हैं केपी न्यूज लाइव 24 आवाज जनता। किस्मत की बड़ी खबर है। सीधी से शासन की योजनाओं का नहीं मिल रहा पात्र, हितग्राहियों को लाभ, अधिकारी और कर्मचारी की मिली भगत से डाल रहे गरीबों के जेब पर डाका। जी हाँ, ये मामला नगर पंचायत रामपुर नकिन वार्ड क्रमांक 15 बिल मिलकसरी का है, जहां हरजर और आदिवासी परिवार को योजना का लाभ तो दिया पर उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। उनका मकान अभी तक पूरा नहीं बन पाया क्योंकि शासन यह चाहती ही नहीं है कि उनका मकान बने। उन्हें पक्का घर का सपना तो दिखाया पर साकार नहीं होने दे रहे हैं। शासन की योजनाओं पर अधिकारी और कर्मचारी डाल रहे हैं गरीबों के जेब पर डाका। अब देखने वाली बात यह है कि क्या उन्हें 3 साल बाद भी पक्के घर को पूरा करने में शासन मदद करेगी या फिर सिर्फ योजना दिखाकर कागजी वादे ही करेगी। सीधी से मेरी रिपोर्ट राजा रैदास की। आपका थोड़ा ही साल की। ये कौन सा गांव है? ये सिविल का सही है। क्या समस्या है आपकी? समस्या यही सा है कि 3 साल से आवास मिला, बच्चा बना, दोबारा किस्त नहीं मिला। सरपंच सेक्रेटरी से आपने बात की? हाँ, सरपंच ₹3,000 के जुर्माना के ही अनुसार काशी हुआ। रसीद कहाँ रखी हुई? लड़के की जब नहीं आई। किस बात का जुर्माना दिया? भैया ऐसी चला रही है। कौन लिख दिया था? पता नहीं, पटवारी जी को दी, कान को दी, ऐसी चला रही सर। 3,000 रुपया मान रखा है जी हम तहसील माँ है जुर्माना है। और भैया 3 साल से मान ली की है, हाल हो रही है। अब अधी जाऊँ तो अधी नहीं, अध्यक्ष नहीं आया, छूट गया सर, अध्यक्ष नहीं आया। तो कुछ बताएं कि कब आएगा पैसा? क्या कुछ बस यह कहा साहब के माने 10 रोज में आई थी, 12 रोज में यह तारीख आई। आज 3 साल से लटका है। 3 साल हो गया। हाँ, और कोई समस्या? कोई और समस्या यही साहब, जो घर बन जाने गिरिन जा साहब, बात यह गिरिन जा के बनिन जा। ब्रजेश कुमार साहब। ये कौन सा गाँव है? कचहरी। क्या समस्या है आप लोगों? सर समस्या ये है कि 3 साल से हो गया, आवास का पैसा आया होगा, दूसरा किस्त आया ही नहीं है। यही समस्या है। रोज तहसील जाते हैं या बुलाते हैं, नगर पंचायत जाते हैं तो बुलाते हैं। क्या बोलते हैं तहसीलदार? तहसीलदार बोलते हैं बस हो गया, 4 रोज में हो जाएगा, 4 रोज में हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं होता है। नगर पंचायत में भी जाते हैं तो यही हाल होता है। तो आपने सरपंच और सेक्रेटरी से बात की है? अरे सबसे बात कर चुके साहब, सबके हाथ जोड़े हैं, पैसा को जाने कितना, जहाँ भी जाते हैं रोज जाते हैं तो पैसा भी खाते हैं। किसको देते हैं? सब वहीं के कर्मचारी, कहीं वो लेते हैं तहसीलदार लेते हैं, कहीं वो लेते हैं, सब लेते, बाबू लेते हैं। किस गांव से? क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि आप 3 साल से आवास आए, एक बार पैसा आया, दोबारा बैच नहीं आया। क्यों नहीं आया? सरपंच सेक्रेटरी से बात की आपने? सबसे किया है। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि नगर पंचायत आओ, तहसील जाओ, तहसीलदार बोलते हैं, नगर पंचायत